ओके, वी आर लाइव नाउ। कौन आता है सबसे पहले? सबसे पहले कौन आता है? हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो एवरीबॉडी। हेलो, तो आज हमारे साथ जॉइंट होने वाले हैं मिस्टर मेहुल बुट सर, जो कि एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है। उन्होंने बहुत सारे शोज़ में काम किया, उन्होंने बहुत सारे गुजराती मूवीज़ की है, बहुत सारे हिंदी मूवीज़ भी की है। तो आज हम जॉइंट होने वाले हैं उनके साथ। मैंने उनको रिक्वेस्ट तो भेजी है, अब देखते हैं वो कब आते हैं। ओ, मेहुल बुट सर आ गए। हेलो सर। हाय हाय। हेलो Hi, hi, hi. How are you? हेलो सर, हाउ आर यू? हाउ Fine. Too. आर यू डूइंग सर? हेलो सर, Hi, hi, hi. How are you? आई एम फाइन सर, हाउ आर यू? But I'm very fine. You tell me. सर, वेयर आर यू राइट नाउ? मुंबई एट होम. ओह सर, आई एम एक्चुअली एट माय नेटिव, आई एम इन सूरत। ओके, कूल. सो यू आर गोइंग टू आस्क मी क्वेश्चंस इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती? सर, व्हाटएवर यू विश सर। नो नो, आई एम ओके विद ऑल द थ्री लैंग्वेजेस, नो इश्यूज. ओके सर, सो वी विल टॉक इन हिंदी। फाइन. तारे ओके ગુજરાતી બોલવું હોય તો હવે ઓકે, વાંધો નથી, તો તારી સર, મરજી. હા, કારણ સર અત્યારે સર બધા ઓડિયન્સ છે મોસ્ટલી બધા હિન્દી જ સમજશે ને જી, ચોપક ચોપક હિન્દી. ગોન. તો સર મેં સુના કે આપને બહોત સારે મૂવીઝ ઓર શોઝ મેં કામ કિયા હે। મેં આપકા વર્ક પ્રોફાઇલ ભી દેખા, તો મતલબ સર આપકા વર્ક પ્રોફાઇલ તો મુજકો બડા અચ્છા લગા સર। આપને બહોત સારે મૂવીઝ કિયા હે, જૈસે કે આપને ગુજરાતી મૂવીઝ આઈ થિંક સમથિંગ 20 યા 21 કુછ કિયા હે। हाँ, और सर आपने कुल्फी कुमार बाजे वाला शो भी किया था, और उस शो में मैं भी था, लेकिन मेरा कुछ एक या दो एपिसोड था, हम तभी मुझे मिल नहीं बताया पाए था थे, लेकिन तो मिल पाए तो हाँ कुछ अलग हाँ ट्रैक. हाँ बोलो. और सर आपने कौन से मूवीज किए सर? बेटा, मूवीज में तो 20 साल पहले घात करके एक फिल्म आई थी, सत्या के बाद, मनोज वाजपेयी तब्बू के साथ. फिर मैंने की कुछ कुछ लोचा है भी, राम कपूर सनी लियोनी के साथ. फिर हाँ मैंने मेरे यार की शादी है की यश चोपड़ा प्रोडक्शंस के साथ, जिसमें जिमी शेरगिल, उदय चोपड़ा, देवेन वर्मा वगैरह थे, जिसका गाना है शरारा शरारा. वो हाँ मैंने मैंने शायद की. सुना है वो। हाँ बस, तो शरारा गाना देख लेना, बहुत पॉपुलर आइटम नंबर है. उसमें भी मैं दिख जाऊंगा, बाकी पूरी फिल्म में मैं दिख रहा हूँ. तो ओके, और बाकी बहुत सारी फिल्में की है हिंदी में. और प्लस भूतनाथ मैंने की थी, वो उसमें सिर्फ मैंने 2 ही सीन किए थे, लेकिन वो मैंने इसलिए की थी क्योंकि अमिताभ बच्चन के साथ सीन शेयर हाँ कर रहा था, और अमिताभ बच्चन मेरे लिए सब कुछ है, अच्छा, तो मतलब उनके आपके साथ एक आइडियल है। हाँ आइडियल आ जाती. ही इज गॉड फॉर एनी एक्टर, ही शुड बी. हाँ यस. लाइक मेरे भी वो आइडियल है, लेकिन अगर मैं बात करूँ मेरे फेवरेट एक्टर की, तो वो है शाहरुख खान और आयुष्मान खुराना। सुपर सुपर, सर वेरी आप गुड. सर आपके फेवरेट एक्टर कौन है सर? मेरे फेवरेट एक्टर्स, देखो, जो एक्टर एक लेवल तक पहुंचता है वो हमेशा अच्छा ही एक्टर होता है. तो अगर कोई मुझे मेरा फेवरेट कहे तो डेफिनेटली मैं 3-4 लोगों के नाम लूंगा. एक अमिताभ बच्चन तो है, फिर संजीव कुमार, फिर अभी के एक्टर्स में देखा, अनफॉर्चुनेटली जो अभी नहीं रहे, इरफान खान, नसीरुद्दीन ओके शाह ओके मुझे बहुत अच्छा.
आयुष्मान, आई लव हिम फॉर द काइंड ऑफ सिलेक्ट्स, बहुत हाँ सब्जेक्ट सिलेक्ट करता है बंदा, और सरप्राइज पैकेज फॉर एवरीवन एंड एन एक्सीलेंट प्रोग्रेस अगर किसी का है, महान प्रोग्रेस कहा जाए तो वो रणवीर सिंह, अ रणवीर ब्रिलियंट सिंह, रणवीर सिंह, बिकॉज हाँ उसका ट्रांजिशन देखो, जहां से उसने शुरुआत की तब से लेकर वो जहां पहुंचा, जहां आज है, हाँ सब वो रोल्स एक उसने किए ग्रोथ उसके। है, और ग्रोथ है एक एक्टर में जो ग्रोथ होना हाँ चाहिए वो हाँ है। सर आपकी कोई सर आप इस इंडस्ट्री में आई थिंक 20 साल से आपको हो थर्टी चुके होंगे, 30 years। exactly. ओके सर, तो आपका सर कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट सर जो आपको आपके लिए एक मेमोरेबल मोमेंट्स हो? मेमोरेबल मोमेंट क्या होता है एक एक्टर के, बाकी बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट है, जैसे मैं अमिताभ बच्चन से पहली बार मिला तो मेरे लिए उससे बड़ी कोई याद नहीं हो सकती है, लेकिन एक एक्टर के हिसाब से ये एक वो जमाना था जब गुजराती सीरियल्स बहुत होते थे, बहुत हाँ ज्यादा, वो एक जमा, ये अभी नहीं, पहले एक जमाना था कि जब महान और बहुत बढ़िया सीरियल्स होते थे, तो उसमें एक सीरियल मैंने कर रहा था और उसमें मैंने एक कॉमेडी विलेन का रोल किया था जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था, बहुत ज्यादा, तो पीपल यूज टू हेट मी, लोग मुझे मुझे वाकई नफरत करते थे, विलन के तो रोल की वजह से। बहुत ज्यादा नफरत करते थे, अच्छा तो मुझे याद है कि राजकोट के बाजू में देर इज अ एक मंदिर है जलाराम बाबा का वीरपुर में, तो हाँ उस जमाने में मैं वहां दर्शन करने गया था, शाम का वक्त था और मैं उस वक्त मंदिर के बाहर जूते उतारने होते थे, अभी तो अंदर एक जगह बनाई है, तो बाहर एक पत्थर पे बैठ के मैं शूलेस बांध रहा था और मेरे बगल में एक बुढ़िया औरत थी तकरीबन 90 साल की, उन्होंने मुझे देखा, गांव की औरत थी बिल्कुल, और अपनी जूती निकाल कर उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया, गालियां आपको दे मारना देकर शुरू कर दिया? पर मारना शुरू कर दिया उसने, क्योंकि उसमें मेरा कैरेक्टर का नाम दिनेश था, तो बोले तू वही कमीना है जो सबके घर उजाड़ता है, फैमिली तोड़ता है, और वो मारती 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 मुझे बाहर तक लेकर गई, आसपास के दुकान वाले बोल रहे थे कि एक्टर है, वो सुनने को तैयार नहीं थी, और जब तक मैं मेरी गाड़ी में बैठ, बट वो मोमेंट एक एक्टर के हिसाब से मुझे आज तक याद है, शायद मेरी जिंदगी का वो सबसे बड़ा अवार्ड होगा, ये एक एक्टर एवॉर्ड। कैरेक्टर से पहचाना जाए इतनी हद तक, तो दैट इज समथिंग वेरी 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 गुड। सर आप मुझको सर कोई एक्टिंग की कोई सर टिप्स देना चाहेंगे सर? एक्टिंग के लिए कोई टिप्स नहीं होती, तुमने तो काफी कुछ काम किया है, काफी कुछ काम तुमने किया है, लेकिन सर एक्टिंग आपके में एक जितना ही तो नहीं चीज, किया सर। एक एक ही चीज याद रखनी है एक्टिंग में, अपनी ये जो फील्ड है वो ऐसी है कि तालियां मिलती है फटाक से और गालियां भी फटाक से मिलती है, और हम तो थिएटर काफी करते हैं तो थिएटर में तो जो मिलता है वो फौरन मिलता है, तो और खास करके जब टेलीविजन पे आप चले जाओ तो टेलीविजन पे आपको फेम बहुत जल्दी मिलती है, लोग फोटोग्राफ करते हैं तुरंत मिल जाती है, आप रात में जाओ टेलीविजन पे रेस्टोरेंट, मोस्टली। हाँ बहुत फास्ट होती है वो, तो हाँ मैं मेरे एक्सपीरियंस के बाद एक ही कहूंगा कि जब आप नए हो से लेके आपको सक्सेस मिले, आई विश के सक्सेस मिले, लेकिन लोगों की वाहवाही को यहाँ एंजॉय करो, वो मोमेंट में एंजॉय करो, अगर कोई तुम्हारी ऑटोग्राफ लेता है, कोई फोटोग्राफ लेता है तो एंजॉय करो, लेकिन दूसरे ही मोमेंट को वो उसे भूल जाना चाहिए, क्योंकि ये हाँ सारी चीजें यहाँ रह जाती है तो वो तुम्हारे प्रोग्रेस में कहीं वो ना कहीं कटकता है। अड़ल अड़ल का देगी तुम्हें, और तीसरी बात यू रिस्पेक्ट योर ऑडियंस, मैंने कई लोगों को देखा है कि एक लेवल पे पहुंचने के बाद वो ऑडियंस को रिस्पेक्ट नहीं करते, इतना याद रखना चाहिए कि हमारे जो फैंस है वही सब वो कुछ है। फैंस ही सब एक एक्टर के लिए वही है, वो हमारी ऑडियंस है, वही है जो एक एक्टर को बनाते हैं, वही है जो एक एक्टर को मिटाते हैं, हमारे लिए ऑडियंस भगवान होती है, तो ऑलवेज रिस्पेक्ट ऑडियंस, और यहाँ से हवा मत भरने दो बस। सर ऑडियंस ने सर आपको रिक्वेस्ट किया कि आपका जो गुजराती मूवी था टीचर ऑफ द ईयर उसका उन लोगों को उसका एक एक्सप्रेशन चाहिए एक्सपीरियंस चाहिए सर आपका टीचर ऑफ द ईयर मूवी में आपका कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस तो सबसे वो फिल्म ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस थी, इसलिए क्योंकि शायद वो चीज ऑडियंस को नहीं मालूम हो,
हुआ यूं था कि वो फिल्म मैंने कुछ 2 2.5 3 महीने पहले साइन कर ली थी, और मेकर्स कंपैरेटिवली नए थे, उन्होंने बहुत बढ़िया फिल्म बनाई लेकिन मेकर्स नए थे। तो हुआ यूं कि आगे वही बिल्कुल वही डेट्स में मेरी मेरे मुंबई में शोज आ गए, हर रोज के 2 शो, हर प्ले रोज के नया दो शो। था, हर रोज के 2 शो आ गए, रात को, शाम को और रात को। तो हाँ मैंने उसे फोन करके बता दिया कि भैया आप टोकन मनी वापस ले लीजिए, मैं तो ये फिल्म नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मुझे थिएटर करना ही पड़े, मैं फंस गया हूँ। तो वो लोग बोले सर आप कुछ भी करिए, कुछ भी करके करना पड़ेगा सर, हम आपके भरोसे थे। तो मैंने बोला यार भागा थोड़ी बहुत हो जाएगी, और अब मैं बता सकता हूँ कि मैंने वो फिल्म में कुछ 11 दिन शूट किया था, मैं भूल गया हूँ, 11 दिन, 10 या 11 दिन। मैं हर रात को 2:30 बजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचता था, एयर इंडिया की 3:30 बजे की फ्लाइट पकड़ता था, 4:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट लैंड होता था, गाड़ी में 20 सगर जाना था तो 5:30 बजे मैं वहां पहुंचता था, वहां एक कमरा रखा गया था, मैं वहां जाके आधे घंटे में एक बार और नहाता था, नहा के सीधा शूट पे जाता था 6 बजे, दोपहर 12 बजे मेरा पैकअप किया जाता था, मेरा खाना, मेरा फूड पैकेट मेरी गाड़ी में रख दिया जाता था, मैं वापस एयरपोर्ट जाता था, 3:30 की फ्लाइट पकड़कर बॉम्बे आता था, 6 बजे का एक शो करता था और रात को 9 से 12 का दूसरा शो करता था, वापिस 2:30 बजे चला जाता था एयरपोर्ट, और ये मैंने नॉन स्टॉप 10 या 11 दिन किया है, 10 से 11 दिन रोज ट्रैवलिंग। एवरी डे दिस वॉज 11 डेज। बट क्या होता है कि फिल्म बहुत अच्छी थी, वहां जो भी लोग थे, टीचर ऑफ द ईयर के डायरेक्टर थे विक्रम भाई, शौनक और बाकी पूरी यूनिट, काफी यंग लड़के लड़के, वो लोग सभी ने, ओवरऑल टोटल टेक्निकल स्टाफ, प्रोडक्शन स्टाफ, वो लोग ने इतना संभाला था मुझे, न कभी मुझे लेट, मैं लेट नहीं हुआ, क्योंकि इतना एडजस्टमेंट फिल्म के लिए करना बहुत मुश्किल होता, लेकिन उन्होंने किया और इसलिए मुझे कभी थकान महसूस नहीं हुई और फिल्म अच्छी बनी, एंड आई एंजॉय द प्रोसेस एंड आई विल नेवर फॉरगेट दैट कि 11 दिन मैं एक्चुअली टू एंड फ्रो में था, मैंने 11 दिन 11 रात में सोया ही नहीं, बट वो फिल्म में कहीं भी नहीं दिखा, क्योंकि वो रोल बहुत अच्छा था, मुझे वो लोग बड़े अच्छे लगे थे और मजा आ रहा था। हाँ मतलब अगर हमको कुछ भी प्रॉब्लम होता तो हम वो अपने कैमरा पे नहीं, लाइक हम वो जो प्रॉब्लम है वो हम अपने फेस पे नहीं दिखने भैया भैया देते। देखो पहले तो प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हम दुनिया में कुछ गिने चुने लोग होंगे इतने खुश नसीब, इतने लकी कि जिनका जिनकी हॉबी उनका बिजनेस है, हाँ जिनका पैशन उनका प्रोफेशन है। तो जब मेरी हॉबी ही मेरा बिजनेस है तो उस चीज से मुझे मुझे क्यों तकलीफ होगी, मुझे क्यों थकान होगी, मुझे बिकॉज इट इज माई हॉबी, इट इज माई पैशन, आई एम डूइंग वॉट आई एम लविंग, तो मुझ मैं थकता नहीं हूं एंड आई एंजॉय द टोटल प्रोसेस एवरी टाइम। ओके सर। या सर आपको और एक क्वेश्चन पूछा है किसी ने, आपने हितेन कुमार सर के साथ कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं? आप लोगों के लिए वो हितेन कुमार है, मैंने हितेन के साथ कोई फिल्म नहीं की है, लेकिन मैं और हितेन, हितेन मेरे से 2 साल सीनियर रहा है और हम लोगों ने थिएटर में शुरुआत साथ में की, हम लोगों ने बहुत थिएटर में काम किया है और हम दोनों बेहद अच्छे दोस्त हैं, ये तो मैंने दाढ़ी रख ली है अभी, बाकी अगर गूगल पे जाके मेरी तस्वीर देखोगे तो लोग कभी कभी धोखा खाते हैं कि मुझे गुजरात की ऑडियंस पूछती है कि आप हितेन कुमार हो, क्योंकि हमारी मूछें बिल्कुल सेम है, अगर आप फोटो देख लो तो पता चलेगा। तो हितेन के साथ प्रोजेक्ट मैंने थिएटर बहुत किया है, लेकिन वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम लोग ने करियर की शुरुआत की, तो वी आर सो क्लोज फ्रेंड्स टुगेदर। सर। सर मैं आपसे सर एक चीज पूछना चाहूंगा सर कि सर आपने जो मूवी की थी टीचर ऑफ द ईयर, सर मतलब लाइक वो मूवी की सर स्टोरी क्या थी सर, क्योंकि मैंने वो मूवी देखी नहीं है और सब ऑडियंस जितने भी है वो सब बहुत तारीफ कर रहे हैं इसलिए। नहीं मैं बोल रहा हूँ उसकी कहानी ये थी कि आज की जो एजुकेशन सिस्टम है और जो हमारे शास्त्रों के लेवल पे वैदिक एजुकेशन सिस्टम है, वो दोनों में से बेहतर क्या, तो
पता चलता है। और उस फिल्म में एट द एंड ये प्रूव किया गया है कि हमारी आज की जो एजुकेशन सिस्टम है उससे अगर हमारी पुरानी वैदिक परंपरा को वापस लाया जाए एजुकेशन सिस्टम में, तो डेफिनेटली वो बहुत फायदेमंद रहेगी। सब्जेक्ट तो ऐसा था, तो सुनने में ऐसे लगता था, मैंने भी जब सुना था तो मुझे लगा था कि अरे ये हाँ, फ्लॉप कैसे मूवी जैसी है। हाँ कैसा बड़ा डॉक्यूमेंट्री टाइप से, लेकिन वो जिस हिसाब से वो फिल्म लिखी शौनक व्यास और विक्रम जी ने, जिस हिसाब से दोनों ने डायरेक्ट की, जब मैंने पहली बार आई वॉज द फर्स्ट फोर डायरेक्टर्स के बाद अगर किसी ने फिल्म देखी थी तो वो मैंने देखी थी। यहाँ 5.1 का ट्रायल था मेरे घर के बिल्कुल सामने स्टूडियो से, तो ओके मैंने देखा वहां पे। और तब मैंने जब फिल्म शुरू हुई तब तक मुझे डर था कि कैसा होगा यार, बट व्हेन आई सॉ द फिल्म, बहुत कमाल की एंटरटेनिंग फिल्म, मैसेज गिविंग फिल्म। उसमें भी उसमें जो पर्सन जो रिप्रेजेंटेटिंग वैदिक सिस्टम वो हीरो है, पर्सन हु रिप्रेजेंट्स आज की एजुकेशन या कैम्ब्रिज या फॉरेन एजुकेशन सिस्टम वो मैं था प्रोफेसर शास्त्री के रोल में, तो आई वाज द विलन। एंड द टर्न एंड ट्विस्ट इन द फिल्म इतने अच्छे थे कि वाकई इट टर्न आउट वेरी 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 गुड फिल्म। बहुत जल्द शायद आपको कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने मिलेगी ऐसे लग रहा है मुझे। हाँ सर, आपकी कोई हिंदी मूवी सर जो आपको मतलब बड़ी अच्छी लगी हो, मतलब आपकी कोई फेवरेट फिल्म? देखिए फेवरेट फिल्म मतलब मैंने काम किया ऐसा या और कोई भी फिल्म, कोई भी फिल्म आपने काम किया या फिर कोई भी फिल्म? कोई भी फिल्म में से मेरी बहुत सारी फेवरेट फिल्म्स हैं। एक वेंसडे करके जो नसीर भाई की एक फिल्म थी वेंसडे, वो मेरी इतनी फेवरेट है कि वो मेरे लैपटॉप पे पड़ी रहती है। वो फिल्म कम से कम मैंने मानो 81 बार देखी होगी। फिर एक दूसरी फिल्म है 2611, अटैक ऑफ 2611, राम गोपाल वर्मा की, जो बम्बई में अटैक हुआ था 26/11 का, उस पर से जो फिल्म बनी वो मेरी बहुत ही आई लव दैट फिल्म। प्लस पुरानी फिल्मों में देखा जाए तो ऋषिकेश मुखर्जी की जितनी भी फिल्में थी वो और बासु चटर्जी की मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और अमिताभ बच्चन वाली अग्निपथ इज अ फिल्म विच इज वेरी 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 क्लोज टू माई हार्ट। फिर देखा जाए तो पा है जो मेरे लैपटॉप पे है, जो मैं बार बार देखता हूँ। ब्लैक मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, और अब मुझे संजय लीला भंसाली की भी सारी फिल्में बड़ी अच्छी लगती है। ओके सर, आपने हिंदी मूवीज कितनी की है? एक ऑडियंस ने यह सवाल पूछा है। कितनी मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं बताऊं अगर गिनूं तो 20 के मुझे अराउंड याद, कुछ? हाँ, नहीं, नॉट 20 के 20-30। अराउंड, इससे कम थोड़ी, लेकिन अगर मैं गिनूं तो मेरे यार की शादी, घात फिलहाल मेघना गुलजार के साथ, फिर कुछ कुछ लोचा है जो मेरी रिसेंट मूवीज में तो थी, फिर बहुत सालों पहले आई थी तरकीब करके थी, फिर एक यूनियन लीडर थी जो काफी हिंदी फिल्म थी लेकिन इंटरनेशनल फेस्टिवल्स के लिए बनाई गई थी और बहुत ही क्रिटिकली एक्लेम हुई। और प्लस ये साल में कुछ पाइपलाइन में है जो बहुत जल्द बाहर आएगा। ओके सर, मतलब मूवी या कोई शो? मूवी मूवी शोज तो चलते ओके रहते हैं बेटा। सर, आपको और एक ये पूछा है सवाल, आपका कोई फेवरेट प्रोजेक्ट जिस पर आप काम करना चाहोगे इन फ्यूचर? मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता है, और कोइंसिडेंटली ये लॉकडाउन के दौरान मेरी कुछ लोगों से बात हुई है कुछ प्रोजेक्ट को लेकर, तो मैं ये चाहूंगा कि मैं अपने और कामों के साथ मतलब टेलीविजन थिएटर के साथ साथ मैं राइटर भी हूँ और थिएटर डायरेक्ट भी करता हूँ, लेकिन आई हैव अ प्रपोजल अबाउट डायरेक्टिंग कुछ अच्छा गुजराती में या तो हिंदी में। पॉलर प्रोजेक्ट बड़ा गुड फिल्म प्रोजेक्ट होगा, वो बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द होगा। बाकी मेरे पहले कि मैं काम करता हूँ मुझे मजा आती है, आई एंजॉय दैट वर्क, तो मेरे हर काम जो आगे भी आएगा वो अच्छा ही होगा बिकॉज मुझे मजा आती है।
सर और एक क्वेश्चन है, आपका बॉलीवुड का कोई फेवरेट मूवी जिसमें आप काम करना चाहते थे, मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर कैरेक्टर कोई भी मूवी में जिसमें आपको लगता है कि अगर आप वो रोल करते तो अच्छा होता, नहीं, ऐसा तो नहीं लगा कि मैं करता तो अच्छा होता, लेकिन ऐसा मतलब जरूर लगा कि हाँ अगर मुझे ऐसी कोई फिल्म मिल जाए कभी जिंदगी में एक बार, तो मैं तीन फिल्में कहूंगा, तीन कैरेक्टर है, अग्निपथ में अमिताभ बच्चन, वेनिस फिल्म अगर नहीं देखी है तो देख लेना, उसमें नसीरुद्दीन शाह, और पा में अमिताभ बच्चन। ये तीन किरदार जिंदगी में या इसके इर्द गिर्द के भी कोई किरदार कोई भी स्केल पे, वो तो बहुत बड़ी बात है, तो भगवान है। लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसा किरदार ये लेवल का करने को मिला तो एक्टर के लिए धन्यवाद। सर और एक क्वेश्चन है, टीचर ऑफ द ईयर 2 कब आएगी मेहुल सर? टीचर टू तो पता नहीं, लेकिन आई डेफिनेटली कैन अश्योर यू वन थिंग कि वो लोगों की ओर से, मतलब शौनक भाई और विक्रम पंचाल सर, ये दोनों डायरेक्टर राइटर थे, और उनकी ओर से ऐसा ही कोई अच्छा सब्जेक्ट बहुत जल्द आएगा, आई एम श्योर अबाउट इट। और मेरी एक दूसरी फिल्म गुजराती में, विच आई एम लुकिंग अप टू, इज जो बिल्कुल नए लोगों ने की है, लेकिन मेरे लिए बहुत सरप्राइज अनुभव रहा, सब लोग नए थे, बोलो डायरेक्टर राइटर मेन रोल, जिन्होंने कभी फिल्म के साथ कोई नाता नहीं था, लेकिन गुजराती में फिल्म बनी है, वो राजकोट में शूटिंग हुई है, और उसका नाम है युवा सरकार, और वो फिल्म आने वाले कुछ महीनों में रिलीज हो जाएगी। आई लुक अप टू दैट फिल्म, मुझे वो फिल्म वाकई कि बिल्कुल नए लोगों ने इतनी अच्छी फिल्म इतने अच्छी तरीके से बनाई है, तो गुजराती मूवी सर गुजराती फिल्म, गुजराती फिल्म बहुत अच्छी, और बिल्कुल नए लोग हैं जिनको फिल्म मेकिंग के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन बहुत ही अच्छा काम किया है, ओके बहुत अच्छा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अभी लॉकडाउन में क्या करते हो सर, डेली रूटीन लाइक डेली सुबह से? रूटीन, मेरा रूटीन देखो ऐसे होता है कि एक एक्टर की जिंदगी में आई मिस माई शूट, आई मिस माई थिएटर, लेकिन हमारे घर में मेरी वाइफ भी एक्टर है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सुबह से नॉर्मल हमारा रूटीन होता है, कुछ एक्सरसाइज वेक्सरसाइज कर ली, दिन में वॉक कर लिया, मेरे पास पैट है तो उसको थोड़ा वक्त दे दिया, लेकिन जो क्रिएटिव काम की बात आती है तो मैं लिखता हूँ, तो आने वाले फ्यूचर के लिए, मतलब मैं थिएटर के लिए कुछ स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, ऊपर से कुछ मैंने कुछ छोटे छोटे वीडियोज बनाए हैं, इंस्टा पर भी अपलोड हुए हैं, काफी तारीफ हुई उनकी, यूट्यूब वो पे कर सर? रहा हूँ, यूट्यूब पे भी मैंने किए दो तीन वीडियोज, और इंस्टा पे भी एक दो तो अपलोड किए, नहीं आई विल सेंड इट टू यू। ओके और सर फिर मैं ड्राइंग करता हूँ, तो मैं कभी कभी ड्राइंग कर लेता हूँ, और पढ़ता बहुत हूँ, और फिर ये अरसे में मैंने जितनी फिल्में देखी हैं, वैसा मौका तो पता नहीं आगे चलकर नहीं मिलेगा, तो इतनी फिल्में देखी है, इतनी फिल्में, और बढ़िया सी फिल्में, कोरियन फिल्में देखी, ईरानियन फिल्में देखी, बहुत, सो आई आई 100% एक अच्छा फेज रहा मेरी। सर मैंने भी सर अभी बहुत सारी मूवीज देखी है जैसे कि पैरासाइट और बहुत एल्स बहुत सारी मूवीज देखी है। और हाँ ऑडियंस किसी को अगर कुछ भी सवाल है मेहुल सर से तो पूछ सकता है। बिल्कुल पूछ सकते हैं। और सर आपका कोई सर गुजराती का फेवरेट एक्टर लाइक गुजराती का कोई एक्टर जो आपको बड़ा अच्छा लगता हो परेश रावल, लाइक सर परेश जो रावल, गुजराती मूवीज में वर्क करता है? अच्छा वैसा, ऐसे तो इतने एक्टर्स हैं, बिकॉज गुजराती का जो नया दौर चला है हाँ उसमें मैंने कुछ यंगस्टर्स के साथ का, मैं बहुत लेट आया हूँ गुजराती इंडस्ट्रीज में, लेकिन इतने बढ़िया एक्टर्स हैं, आप मल्हार ठाकर सब जानते हैं, हाँ मल्हार मैंने उसके ठाकर साथ, यस बढ़िया एक्टर है, सर, मित्र गढ़ आपने उसके भी, साथ कौन सी मूवी की है सर मल्हार ठाकर के मैंने साथ? मल्हार के साथ अभी लवनी लव स्टोरीज में तो प्रतीक था, उसके हाँ पहले वाली वो की, फिर मिडनाइट में इनका की, फिर प्रतीक के साथ की, मतलब गुजरात में बहुत सारी फिल्में की है बेटा, मैं नाम भी भूल जाता हूँ, तो मल्हार अच्छा इज अ वेरी गुड एक्टर, मित्र गढ़वी एक दूसरा कमाल का एक्टर है, रौनक कामदार है, आरजे त्रिवेदी है उस फिल्म में, तो
मैं कहूँ कि अभी के जो फेज में जो चेतन दहिया करके एक एक्टर बहुत बढ़िया है, ऐसे बहुत सारे इतने अच्छे एक्टर हैं नए स्लॉट में। तो हम एक्चुअली मैं कहूँ तो मैं उन लोगों से बहुत कुछ चीजें सीख रहा हूँ। इट इज मराठा कर सब से और इनसे सब सब मित्रगढ़ भी हो, अच्छा मल्हार सब हो, खानदार हो, ये पूरी एक जनरेशन है जो बड़े मिलजुल के काम करते हैं। वो लोग की वर्किंग पैटर्न है, वो वर्किंग पैटर्न वो लोग से सीखना, ऑर्गेनाइज होना उनसे सीखना बहुत जरूरी है। वाकई बहुत बढ़िया एक्टर्स ये लोग। और सब मेरा फेवरेट गुजराती एक्टर तो है मल्हार ठाकर और यश सोनी। यश यश के साथ हम लोग ने अभी अभी एक फिल्म की जिसका एक दिन की शूटिंग बाकी है, मैं तो उसमें छोटा सा रोल कर रहा हूँ, कॉल बाटली वाला एंड सन्स। ये बाटली लॉकडाउन वाला की एंड वजह सन्स। से सन्स ओके अभी एक दिन की शूट कुछ तो बाकी है, तो बस होते ही मीडिया में आ जाएगा। यश और मैं है उसके साथ। यस और सब मेरी गुजराती में, मेरी जो फेवरेट मूवी है मेरी गुजराती में वो है चल जीवी लैया, जो यश सोनी की थी और साथ साथ अरविंद सर की भी थी। वो है, इसमें सिद्धार्थ भाई थे, द हाँ सिद्धार्थ रांझा। तो हाँ सिद्धार्थ भाई गुजराती फिल्म को सिद्धार्थ भाई का मिलना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिद्धार्थ रांझा को मैं 30 साल से तो मैं जानता हूं, जब से मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की। थिएटर मैंने उनके साथ बहुत किया है, हाँ और तो सिद्धार्थ भाई जैसा एक्टर मिलना ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो गुजराती थिएटर के अमिताभ बच्चन। सर आपको एक क्वेश्चन पूछा है सर, वेंटिलेटर का आपका एक्सपीरियंस। महान एक्सपीरियंस यार, एक फिल्म जिसमें तकरीबन 29 एक्टर हो। दूसरी बात, मैं लकी था कि मेरा और जैकी भाई का रोल साथ साथ था, बिल्कुल हम दोनों पूरी फिल्म में अगर आप देखोगे तो हम दोनों साथ ही साथ हैं। और मेरे कॉलेज के टाइम में मैं जैकी श्रॉफ की हीरो करके पहली फिल्म आई थी, तब हम तो बिल्कुल कॉलेज में पढ़ते थे, और तब मैं जैकी भाई का बहुत बड़ा फैन हुआ करता था, और अच्छा वेंटिलेटर की वजह से मैं जैकी भाई का बहुत अच्छा फ्रेंड हो गया। वी आर वेरी 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 गुड फ्रेंड। सो ये अच्छा मुझे सबसे बड़ा फायदा हुआ। दूसरी बात, डायरेक्टर उमंग व्यास ब्रिलियंट, क्योंकि आपको एक फ्लोर पे जैकी श्रॉफ के साथ और 29 आर्टिस्टों को संभालना है, और सब थिएटर के नामी कलाकार है, और फिर भी कभी भी वो शूट पे कोई टेंशन नहीं हुई, कभी भी कोई चलन चल्ली नहीं हाँ हुई, मतलब हाँ अच्छी मैनेजमेंट थी एकदम। बहुत बढ़िया मैनेज किया था, सारे एक्टर्स अच्छे थे। और एक हमेशा होता है कि जब आपके प्रोड्यूसर डायरेक्टर अच्छे होते हो तो व्हेन द कैप्टन ऑफ द शिप इज गुड, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती। और मुझे वेंटिलेटर से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि वो बेहतरीन फिल्म थी, बहुत बढ़िया फिल्म थी, और दूसरी बात, जिसका मैं फैन था वो मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड है जैकी श्रॉफ, तो उससे बढ़िया मुझे क्या चाहिए। आई एम हैप्पी अबाउट इट। तो सर जो वेंटिलेटर जो फिल्म थी वो गुजराती मूवी थी या हिंदी मूवी? नहीं, ये तो गुजराती फिल्म, एक्चुअली वेंटिलेटर ओरिजिनली मराठी फिल्म थी, उस पर से ऑफिशियल राइट्स लेके ये फिल्म को बनाया गया गुजराती में। आशुतोष गोवारीकर ने मराठी में रोल किया था, मतलब लगान के डायरेक्टर, वो हाँ एक्टर भी है, हाँ और इसमें वो रोल जैकी श्रॉफ ने किया, और जूही चावला भी है वेंटिलेटर में एक सीन के लिए हमारे साथ गुजराती में। अच्छा तो जी, और बहुत वो सब्जेक्ट ही बहुत कमाल का, वो कॉमेडी करते 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 आपको एंड सीन में रुला दे ऐसी फिल्म है। और जैकी भाई, जैकी भाई तो काम बहुत बढ़िया किया है, जो भी बहुत बढ़िया सिनेमा किया है, तो और बाकी मतलब सब कलाकार दिखे। जो जो जैकी श्रॉफ सर थे तो मतलब उनके जो डायलॉग्स थे उनके डायलॉग्स भी गुजराती में ही थे या उनके डायलॉग्स जो थे वो हिंदी बेटा में थे? जैकी श्रॉफ गुजराती है, अच्छा किसी को जैकी श्रॉफ गुजराती है, उनकी मदर इज आई थिंक सो आयरलैंड के, वहां से वो फॉरेनर है। पिताजी गुजराती ब्राह्मण है, वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी थे, तो वो गुजराती है। तो जाकी भाई गुजराती बोल लेते, तोड़ फोड़ के गुजराती बोलते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें दे दी जाती थी प्रॉम्प्टिंग लेके, और उनके पास इतना अनुभव है कि वो अनुभव को लेकर वो इतनी प्यार, और डबिंग उन्होंने खुद ने की है, मैं डबिंग पे अच्छा रहता था तो डबिंग उन्होंने खुद ने की है,
गुजराती में ही क्या सो इज गुजराती बेसिकली इज गुजराती ओके सर मैंने सुना है कि सर आप बहुत अच्छी ड्राइंग भी करते हैं तो एक ऑडियंस ने पूछा है कि आपकी ड्राइंग बता सकते हैं प्लीज अरे बेटा अभी तो मैं क्या बताऊं तुझे इंस्टाग्राम पे आप चले जाओ मेरी पेंसिल स्केचेस दो चार है अभी मैंने सीडी पर एक आप एक मिनट रुकिए तो मैं कुछ लेकर आता हूँ रुकिए एक मिनट ओके हाँ यस सर एक दो चीज रुकिए जस्ट वेट इस पर क्या दिखेगा मुझे नहीं पता ये सीढ़ी पर ये ड्राइंग नहीं ये कार्विंग किया हुआ है मैंने सीढ़ी पर वाओ सर यू कैन सी दिस देन ये एक दूसरी सीढ़ी पर बनाया हुआ ड्राइंग है मस्त ड्राइंग है सर आपका और मैं आपको एक आध चीज और बता सकता हूँ रुकिए यस सर दिस इज माय अनदर ड्रॉइंग इफ यू कैन सी वाव वाव सर बहुत अच्छी है सर बस तो ऐसे बहुत ऐसे कुछ काम करते रहता हूँ मैं ऐसे ही ये शौक था जब मैं बचपन में मैं काम कर अच्छा लगता था तो ये लॉकडाउन के दौरान ये वक्त मिला तो कर दिया तो सर अगर आपको सर फ्यूचर में सर अगर आपको कोई हॉलीवुड की फिल्म का ऑफर मिलता है तो सर क्या आप वो करेंगे मतलब अगर आपको कोई हॉलीवुड फिल्म में अगर आपको कोई लाइक काम करने का चांस मिलता है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो रोल लाइक मेरे लिए नहीं है तो क्या आप वो काम करेंगे देखो बेटा वो हॉलीवुड बॉलीवुड की तो बात ही नहीं बनती है मेरा बहुत सिंपल फंडा है कि पहले मैं अपने आप को ऑफर आपको कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें आपको सुनकर लगती होगी आपको कोई रोल सुना रहा है तो आपको पता चलेगा आपको तो पता चलेगा ना कि क्या वाकई ये मेरे लिए है अगर हाँ आपका मन कन्विंस फिर वो चाहे क्योंकि वो नहीं होगा वो वर्क का बिकॉज हमारी वी बिलोंग टू एक्टर्स फ्रेटर्निटी जब तक हम खुद कन्विंस नहीं होंगे तब तक हम ऑडियंस को कभी कन्विंस नहीं कर पाएंगे तो उतना और ऑफ कोर्स ऐसी कोई ऑफर आई तो भगवान करे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर तो डेफिनेटली वी विल सी टू इट वी ट्राई टू परस्यू और दूसरी बात कि हॉलीवुड से जब भी कभी किसी को भी छोटे से रोल के लिए भी ऑफर आती है तो वो लोग पहले आपके बारे में बहुत कुछ चेक करने के बाद ही ऑफर करते हैं वहां का एक प्रोसेस ही बिल्कुल अलग है वहां का कास्टिंग प्रोसेस ही अलग है और इसीलिए इरफान खान भगवान है भाई उन्होंने जितनी हॉलीवुड की फिल्में की है जिस लेवल की तो वो बहुत हुआ तो बहुत बड़ी लेकिन मैं जो भी काम करूंगा वो करूंगा कि जिससे मैं कन्विंस हो जाऊं बिकॉज कई बार ये होता है कि अगर आप कन्विंस नहीं है चाहे काम कितना भी बड़ा हो तो आप नहीं कर पाओगे आप वो काम को डिलीवर नहीं कर पाओगे सर मैंने भी सर एक मूवी की थी लेकिन लाइक सर जैसे कि सर आपको पता है सर अभी आयुष्मान की एक मूवी आई थी शुभ मंगल ज्यादा सावधान सर समथिंग 1 या 2 साल पहले सर मैं मेरी मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा सर उस मूवी और इस मूवी उन दोनों की स्टोरी सिमिलर टाइप थी लेकिन जो मतलब जिसमें मैंने काम किया था पता नहीं क्यों उस टाइम पे लोग ऐसा सोच रहे थे कि वो मूवी लाइक नहीं इतनी अच्छी है और जब शुभ मंगल रिलीज व्हाट्स अ कैन हियर यू हाँ
ओके सर, नाउ यू कैन हियर। हाँ या नाउ आई कैन। हाँ तो सर, मैं ये बोल रहा था कि जो मेरी जो मूवी थी उसका नाम था एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जिसमें भी अच्छी क्रू थी, अनिल कपूर, सोनम कपूर, लाइक राजकुमार राव एंड जूही चावला। और जो उसके बाद जो मूवी आई शुभ मंगल ज्यादा सावधान, तो हमारी जो मूवी थी वो एक टाइप से लाइक फ्लॉप के हिसाब से ही गई थी। वो मूवी ने मतलब इतना ज्यादा कलेक्शन नहीं किया था, और जो शुभ मंगल ज्यादा सावधान थी वो लाइक अच्छी गई थी लाइक। हाँ लेकिन दोनों की स्टोरी सिमिलर थी, तो सर ऐसा क्यों होगा? सर आपके तरफ से आप क्या बोलना चाहोगे? देखो बहुत मुश्किल बात है भैया कि हमारा काम है काम करना, और हमारा जो जज है वो है हमारी ऑडियंस। ऑडियंस की, ऑडियंस का मूड, ऑडियंस की लाइकिंग, ऑडियंस की पसंद नापसंद कब चेंज होती है उसका आज तक कोई मापदंड नहीं है, उसका कोई मीटर नहीं है। ऐसा भी हुआ है कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब है कि जब हमने मेरे यार की शादी करके जो फिल्म की थी उसमें यश चोपड़ा प्रोडक्शन की थी, और उसी वक्त वो डायरेक्टेड बाय संजय गढ़वी थी, उदय चोपड़ा को लॉन्च किया गया था, जिमी शेरगिल था, एक ट्यूलिप करके हीरोइन थी, फिर सौरभ शुक्ला था, काफी कुछ एक्टर्स थे, आलोक नाथ जी थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो वो एक बिपाशा बासु थी, तो ओवरऑल वो फिल्म जो थी वो एक नए एक्टरों का पैकेज था। और बिल्कुल पैरेलल उसी के साथ यश चोपड़ा प्रोडक्शन की कुणाल कोहली साहब ने जो डायरेक्ट की थी वो फिल्म आई थी मुझसे दोस्ती करोगे, जिसमें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का शायद ही कोई ऐसा तुर्रम खा होगा जो वो नहीं था। ऋतिक रोशन से लेके प्रीति जिंटा से लेके कौन, सब लोग थे, सब लोग थे। और दोनों फिल्में ऑलमोस्ट साथ में रिलीज हुई एक ही प्रोडक्शन की, और सब नए एक्टरों वाले मेरे यार की शादी ने ज्यादा कलेक्शन कर लिया। तो इसका कभी कोई मापदंड नहीं होता है। और मैं तुम्हें तो हमेशा, तुम्हें भी मैं एक बात ये कहूंगा कि काम करो, लोग याद रखेंगे, लोगों को याद रखने दो, खुद याद मत रखो, लोग तुम्हें अपने आप याद दिलाएंगे। अगर वो काम वाकई अच्छा होगा तो लोग याद रखेंगे तुमको याद। हाँ और आपको याद दिलाते रहेंगे। मैंने कहा ना कि हम जो भी हैं वो सब हमारी ऑडियंस की वजह से, और उन की लाइकिंग डिसलाइकिंग पसंद नापसंद का कोई मापदंड नहीं है। वहां क्यों नहीं चलता, देर इज नो वाई, वहां कोई लॉजिक काम नहीं करता व्हेन इट इज अबाउट इमोशंस। हाँ सर, मैंने भी सर एक गुजराती फिल्म की थी जिसका नाम था दोस्त तारू सपनू। उसकी भी स्टोरी लाइक अच्छी थी कि मेरा एक दोस्त होता है, उसको डॉक्टर बनना होता है और मैं एकदम शरारती होता हूँ। लाइक अचानक उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि लाइक हम लोग गांव के होते हैं और उसके पास लाइक पैसे नहीं होते कहीं इलाज कराने जाने के लिए, और इसलिए उसका जो सपना होता है वो फिर आगे जाके वो मैं उसका जो सपना होता है वो मैं पूरा करता हूँ और फिर मैं डॉक्टर बनता हूँ। वो सब उसकी स्टोरी थी, लेकिन वो फिल्म भी ज्यादा नहीं चली थी। मैं वापस बोल रहा हूं कि फिल्म कितनी चलती है नहीं चलती है ये हाँ देखना हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम है काम करना, काम करते जाओ। हर फिल्म से अगर एक बंदे को भी वो अच्छी लगती है या वो फिल्म कैसी भी हो, तुम किसी एक ऑडियंस को अच्छे लगते हो, वो तुम्हारी सफलता है। एक हमेशा ऐसे यस प्रोजेक्ट करो जो प्रोजेक्ट करने के बाद घर आकर तुम्हें चैन की नींद आती है तो वो फिल्म, वो प्रोजेक्ट अच्छा था, ऐसा समझ। ये सिंपल यस फंडा है, सिंपल। यस ओके। और किसी को कोई सवाल है किसी को भी, तो जल्दी जल्दी पूछ सकते हैं। अब थोड़ी टाइम में जो लाइव वीडियो है वो क्विट कर देंगे हम लोग, तो जिसको जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से सवाल तो नहीं लग रहा है किसी का। नहीं सर, वी नो तुम फ्लाइट में आते थे और शूट, देखो किसी को पता है, किसी ने सुना होगा किसी मेरे इंटरव्यू में, क्या आप फ्लाइट में आते थे, कोई गुज्जू फिल्म ज्ञान, दे नो इट वेल। सर एक क्वेश्चन पूछा सर कि सर आप यूथ को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे सर इस टाइम पे? इस टाइम पे क्या, कोई भी टाइम पे, ये टाइम कोई अलग टाइम नहीं है भाई, ये पहले तो दिमाग से निकाल दो,
भगवान ने, हम लोग बहुत आड़े रास्ते चले गए थे सब इंसान, तो भगवान ने थोड़ा सीधा करने के लिए एक छोटी सी पनिशमेंट दी बस। तो अभी हम सुधर गए, और यूथ को तो कोई ज्यादा एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। आज का यूथ, आप लोगों की जनरेशन लकी हो कि आप लोगों के पास इतनी सारी सहूलियतें हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज है, आपके दुनिया फिंगर टिप पे आपको दुनिया मिल रही है, तो बस उसका सदुपयोग करो और अपना लॉजिक लगाओ। और एक चीज, थोड़ा रीडिंग करो यार। रीडिंग मतलब मैं पढ़ाई वाली बात नहीं कर रही हूँ, एक्स्ट्रा रीडिंग, नो अबाउट द वर्ल्ड, नो अबाउट द लिटरेचर, वो आपको आगे चलकर डेफिनेटली कहीं ना कहीं मदद करेगा। बाकी आजकल का यूथ बहुत वेलवर्स है, आई सल्यूट देम यार, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। सर और एक क्वेश्चन पूछा आपसे, 30 जून तक लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पहली बात तो भाई, 30 जून तक एक्सटेंड नहीं हुआ है, 30 जून तक महाराष्ट्र रेड जोन पे हुआ, लेकिन वो भी पूरा नहीं, आपको धीरे धीरे 3, 5, 8 को कुछ रिलीफ दी जाएगी। तो वो रिलीफ इसलिए दी जा रही है कि आप धीरे धीरे काम पे चढ़े, हो सके तब तक कोरोना, क्योंकि इसमें देखो आपको घर पे बैठाने से सरकार को कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, यू अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट डजंट गेट एनीथिंग। तो आपकी सेफ्टी के लिए अभी धीरे धीरे काम पे चढ़ोगे, मैं भी समझता हूँ कि सबको काम की जरूरत है, हम सभी को काम की जरूरत है, लेकिन आप धीरे धीरे काम पे चढ़ोगे तो गाड़ी धीरे धीरे पटरी पे आएगी, एक साथ कूदोगे तो वापस 3 महीना घर पे बैठना पड़ेगा। तो आईसीयू में रहना है कि 15 दिन और घर पे रहना है, वो तय कर लो भाई। बाकी सब धीरे धीरे शुरू हो रहा है, तो नथिंग टू पैनिक अबाउट। सर जैसे कि सर अभी लाइक मैं जहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे तो मतलब लॉकडाउन तो खोल दिया है, लाइक सुबह लाइक खाली रात को 9 से और सुबह 5 बजे तक खाली बंद रहता है और बाकी सब खुल गया। और अभी रोड पे मतलब सब लोगों को ये है कि भाई अभी मतलब लाइक नॉर्मल डेज से मतलब जैसे कोई त्योहार होता है तो सब लोग रोड पे आ जाते हैं, चलो यहाँ पे जाना है यहाँ पे जाना है, तो अभी वैसे ही हालात है सब लोगों की, सब लोग रोड पे चले आए। देखो भाई, इसमें क्या है कि हर एक को भगवान ने एक एक दिमाग दिया है, बस ये वक्त है कि आप अपना दिमाग चलाएं, क्योंकि बहुत सिंपल है, मुझे अगर बेहतर रहना है, मुझे बचना है कोरोना से, तो उसकी फिक्र तो मुझे करनी होगी। बराबर, अगर इंसान अपनी फिक्र करने लगेगा तो एक दूसरे को वो कोरोना देगा नहीं और दूसरे से कोरोना लेगा नहीं। तो ये जो भीड़ बनाकर आ गए रोड पे, उसमें से जो नहीं समझेंगे वो वापस हो जाएंगे क्वारंटाइन, और जो समझ के चलेंगे वो कोरोना के सामने लड़ते हुए अपने काम पर सक्सेसफुली लग जाएंगे। सर और एक क्वेश्चन पूछा है, वेंटिलेटर में जैकी सर के साथ काम करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा ना, वो एक्टर तो आप जिनके फैन हो इतने सालों से, और अगर उनके साथ काम करके मजा आ जाता, काम करो और आप उसके फ्रेंड बन जाओ तो कैसे लगे, बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी बात, ओवरऑल लेवल पे एक स्टार होने से एक टेंशन सा होता है, वैसा कुछ नहीं, वो एक इतना अच्छा इंसान है, जैकी श्रॉफ इज अ वेरी 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 गुड ह्यूमन बीइंग, तो आपको इतना कंफर्टेबल कर देता है वो बंदा कि आपको लगेगा नहीं कि आप इतने बड़े स्टार के साथ काम कर रहे हो। मेरे इंस्टाग्राम पे, जो भी मेरे इंस्टाग्राम पे है वो देख ले, कुछ तस्वीरें मैंने जैकी भाई के साथ रखी है, आप देखना, वो ऐसी तस्वीर है कि वो मेरे कंधे पर सर रख के सो रहे। अभी मैंने सपने में सोचा था कि जैकी श्रॉफ इधर ऐसे करके सोएगा, वो आपको कंफर्ट करता है वो आदमी, मतलब वो इंसान ही इतना अच्छा है कि बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मेरी लाइफ, और एक फिल्म भी बढ़िया थी, सब्जेक्ट भी, तो भगवान ने सब कुछ, सारे को एक्टर्स थिएटर वाले थे तो सब अच्छा एक प्लेट में दे दिया था, तो बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत। सर आप थिएटर करते हैं सर, तो इसलिए एक सवाल पूछना चाहूंगा सर मैं कि सर लाइक थिएटर या जो हम लोग जो शोज करते हैं, जो टेलीविजन और मूवीज, इन दोनों में लाइक फर्क क्या होता है? मैंने थिएटर तो मैंने नहीं किया है, लेकिन हाँ मैंने स्कूल के प्लेस किए है बहुत बार, तो फर्क क्या है ये? हाँ बेटा देखो, पहले तो फर्क है, एक्चुअली फर्क है,
लेकिन मैं हमेशा मेरे वर्कशॉप में मैं यही कहता हूँ कि पहले हम ये फर्क क्या उस पर ध्यान न देते हुए पहले तो हम एक्टिंग पे ध्यान दें। एक्टिंग इज कोई भी इमोशन को कंट्रोल करके डिलीवर करना, वो एक्टिंग है मेरे हिसाब से, बहुत सरल भाषा में बोला जाए। अभी आप सिंपल है कि स्टेज पे 1000 लोगों के सामने अगर आप बैठे हो, लास्ट रो वाले को भी आपको देखना पड़ता आवाज है, तो उसके लिए आपको हाँ। आवाज की अभी टेंशन नहीं रही है, अभी माइक्रोफोन वगैरह इतने हाँ। सेंसिटिव है, लेकिन आपको थोड़ा लाउडर वाइडर हाथ बात हिलाने पड़ते हैं थोड़े, बराबर। हाँ, और जब थिएटर आप, पे हाँ क्योंकि आप पीछे लास्ट रो वाले को आप जितने हो उससे छोटे दिख रहे हो, बराबर। और फिल्म में अगर आप काम कर रहे हो तो फिल्म में सिंपल है कि सब लोग आप का जो बिल्कुल हो दिख रहे उससे 300 टाइम बड़े दिख रहे हो, तो आप आंख ऐसी भी करोगे तो वहां इतना बड़ा दिखेगा। तो हाँ। वहां चीजों को थोड़ा कंट्रोल करना है, लेकिन ये ग्रामर में पढ़ने से बेहतर है आप खुल के एक्टिंग करो। आपको कंट्रोल करने के लिए वहां एक डायरेक्टर नाम का पर्सपेक्टिव है, वो हाँ करेगा। बाकी एक्टिंग एक्टिंग होती है, आप खुल के परफॉर्म करो, कोई टेक्निकल बड़ी बड़ी टर्म्स में पढ़ने से पहले एक्टिंग करो बस। बाकी डायरेक्टर है थिएटर का लाइक डायरेक्टर, मैं अपने हाँ आप लाइक मेथड एक्टिंग मैं को, और मेथड एक्टिंग कोई नाम ही मत दो, मैं बोलता हूँ आप एक्टिंग करो बस, हाँ आप एक्टिंग करो, कोई नाम देने की भी जरूरत नहीं है। आपके सामने डायरेक्टर है, वो उसका काम है, वो वही उसी चीज का उसको नॉलेज है कि वो आपको कैसे कंट्रोल करके राइटर ने लिखी हुई चीज को असली सही तरीके से आपसे निकाले, वो उसका काम है। तो उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए, राइटर के राइटिंग को समझते हुए आप अपनी एक्टिंग करो, वो जो कंट्रोल होता है ना वो डायरेक्टर कर लेगा। सर आपको थोड़ी सी वेल विशेस दी है सर। आप खूब आगे बढ़ो और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करो, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और सर एक ने ये सवाल पूछा है कि प्रेग्नेंट एलिफेंट को मार दिया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पाप है क्योंकि मेरे घर में, अभी मेरे पीछे आपको दिख नहीं रहा था, या आई हैव अ डॉग जो भी नीचे घूमने गया है, तो वी आर हार्ड कोर पेट लवर्स। और ये जब मैंने सुना तो ये जो भी ये काम करते हैं ना, वो लोग इंसान कहलाने के काबिल नहीं है, वो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। या तो फिर एलिफेंट जानते हैं कि उसका बदला, वो जिस दिन एलिफेंट ने तय कर लिया ना भाई, किसी हाँ भी वो प्राणी ने तय कर हाँ लिया ना कि मुझे वो इससे सिटीज में बदला आ ले, जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। आपको लाइक एक बात जल्दी से मैं कह दूं कि हमारे वहां बहुत बरसों पहले कांदीवली में, मेरे हिसाब से कांदीवली में ये घटना हुई थी, वो रास्ते पर हाथी लेके निकलते हैं, पता है, वो मांगने के लिए, पैसे मांगने के लिए भरी हुई हाँ मार्केट में एक हाँ हाथी, एक हाँ बिल्कुल बिल्कुल ड्रंकार्ड था, दारू दारू पी के दूध एक इंसान था, वो सामने से आ रहा था, वो हाथी ने अचानक उसको उठाया, जो हाथी कभी नहीं करता है, पटका और उसके ऊपर उसे पैर रख के मार दिया, फिर हाथी बंद कर दिए बंबई में से। लेकिन उसकी जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब पता चला कि वो बंदे ने 3 या 4 साल पहले उसी हाथी की सूंड में खाने की जगह पर जलता हुआ कोयला रखा था। और हाथी हाथी कभी भूलते नहीं है, ऐसी प्राणी कभी भूल, और हाथी तो भूलता ही नहीं है। तो मैं तो ये विश करूंगा कि या तो हाथी अपने आप उस इंसान से बदला ले ले, और या तो जो जिसने भी ये किया है वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। सर मेरे को पता नहीं है सर उसके बारे में क्या हुआ, मतलब मैंने अभी तक कुछ रिसर्च नहीं किया, तो सर क्या आप मेरे को बता सकते हो सर वो पूरा बहुत इंसिडेंट क्या बढ़िया, हुआ था? आई थिंक तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो वही है, क्योंकि दो इंसिडेंट्स में, एक केरला में मेरी बेटी ने मुझे बताया कि पाइनएपल के अंदर यार वो नदी के बीच में एक हाथी हाँ था, उसको पाइनएपल के अंदर फायर क्रैकर रख के दे दिया और वो फुटा और हाँ नदी के अंदर ही खत्म हो गई एक तो, और ऐसे दो कुछ किस्से हुए। तो बहुत खराब, बहुत बेहुदा, बहुत ही गंदी बात है, बहुत ही गंदी। और जिस दिन ये कोरोना जैसे ऊपर वाले ने तुमको सीधा कर दिया ना, जिस दिन प्राणी तय करेंगे ना आपको सीधा करने के लिए, हो सर हम गया। इंसान की कुछ ताकत नहीं है। हाँ यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहुल सर ने छोटे पर्दे पे भी काम किया है और बड़े पर्दे पे भी काम किया है, तो आप क्या कहना चाहोगे
छोटा पर्दा किया बड़े पर्दे के पीछे, मतलब आपको क्या लिखा है ये? कौन है ये? उन फर्क दोनों के बीच में क्या ज्यादा है फर्क है? हाँ भाई, देखो छोटे पर्दे बड़े पर्दे पर फर्क इतना ही है, देखने वाले तो देखते हैं। दो चीज है कि आप, मैंने ना तीनों क्षेत्र में काम किया, मैंने थिएटर किया है, मैंने अराउंड 200 के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स की है, मैंने यस सीरियल भी की है और मैंने फिल्म भी की है। ये सारे माध्यमों में से एक ही फर्क है, टेलीविजन ऐसा है कि आपको, हमारे एक बहुत बड़े राइटर है प्रवीण सोलंकी, बहुत बड़े गुजराती थिएटर कर रहे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात हमें सिखाई थी। वो हमेशा कहते थे कि जब आप सीरियल करो, टेलीविजन करना, इसका मतलब है कि एक बड़े बड़ा सा गार्डन है, उसमें आपको अलग 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 गमले को सजाना है, अलग अलग फ्लावर पॉट्स को सजाना है, बराबर। यस सर, और यस सर। जब आप एक फिल्म करते हो या एड फिल्म करते हो, तो आपको एक गमले के अंदर पूरा गार्डन सजाना है। यस ये फर्क है, बस ये फर्क है। बाकी एक एक्टर के लिए मैंने अभी भी कहा, कभी भी वो फर्क में ना पड़ते हुए बस हम एक्टिंग करें, बाकी हमें कंट्रोल करने वाले खुद हमारे जो सोचो सारे, मत। हाँ यस तो आई थिंक सर कि अब हमको ये वीडियो जो है वो एंड करना यस चाहिए। यस यस तो सर आपके साथ बात करके सर बड़ी मजा आई सर। थैंक यू सेम वेरी मच सर प्लेजर, प्लेजर प्लेजर बेटा, कि प्लेजर सर आप मेरे साथ आए सर। थैंक यू वेरी मच सर। प्लेजर प्लेजर, हम ट्राई करेंगे सर नेक्स्ट टाइम हम और ज्यादा बातें कर सके। ओके श्योरली श्योरली श्योरली, ओके सर, यस सर, बाय सर, चल, बाय 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 यू ऑल, थैंक यू। बाय सर। ओके तो मेहुल सर लीव हो चुके हैं, तो मैं भी लाइव वीडियो को एंड कर रहा हूँ। तो बाय बाय गाइस, सी यू सून, बाय बाय।